नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज एक बहुत सुंदर सी कहानी, और ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। बस इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी इंसान को कुछ सिखा नहीं सकती। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था, और एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी वहीं पर ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदर भी बैठे हुए थे, जो कि पेड़ के नीचे ही उन्होंने अपना आश्रय बना लिया था। एक दिन की बात है, एक बंदर कहता है कि कहीं से आग तापने को मिल जाए तो ठंड दूर हो सकती है, क्योंकि अब ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। तभी दूसरे बंदर ने उसे अपनी बात सुझाई, और उसने कहा, देखो यहाँ पर ढेर सारी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हुई हैं। अगर हम इन्हें इकट्ठा करके ढेर लगाएं और फिर उसमें आग लगाएं, तो हमारी ठंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो सकती है। तब बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया, और फिर गोल दायरे में बैठकर ये सोचने लगे कि अब इस ढेर को आग कैसे लगाई जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ी, और वह उछल पड़ा, और उधर ही दौड़ते हुए वह चिल्लाने लगा कि देखो देखो, हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर अगर फूंक मारेंगे तो आग तो लग जाएगी। तभी जितने भी बंदर बैठे हुए थे वो भी हाँ हाँ कहते हुए वो बंदर भी जुगनू की ओर दौड़ लगाने लगे, और पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया, और वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं, यह तो जुगनू है। तभी एक बंदर क्रोध से गौरैया की ओर देखता है और गुर्राता है कि मूर्ख चिड़िया, चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहे, चली है हमें सिखाने। इसी बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया, और सारे बंदर लगे उस ढेर में फूंक मारने। तभी गौरैया ने सलाह दी कि भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से कभी आग नहीं सुलगेगी, दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग लगाओ, तभी बात बन सकती है। तब बंदरों ने गौरैया को घूरा, और जब आग नहीं सुलगी तो गौरैया एक बार फिर से बोल उठी कि आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखिए, आग लग जाएगी। जब सारे बंदर आग नहीं लगा पाए तो वह बहुत क्रोधित हुए। तभी एक बंदर क्रोध से उठकर उस गौरैया चिड़िया को हाथ में पकड़ता है और पेड़ से नीचे की ओर फेंक देता है, जिससे गौरैया फड़फड़ाती हुई घायल हो जाती है। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। सबसे पहले सीख ये देती है कि बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, और खास तौर पे मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा ये कि मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उल्टे ही सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। दोस्तों ये कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे संजय गुप्ता, तो हमारे लिए भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे थे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।